फलेषु कदाचन मातरं फलहेतुर्भो मातृसंगो कवितर्मणि। आज से बहुत पहले जब इंसानी समाज की नींव रखी जा रही थी, पंचवटी के आश्रम में श्री रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण अपने वनवास का अंतिम वर्ष काट रहे थे। एक दिन सीता जी ने एक सोने का हिरण देखा। उन्होंने राम से कहा, हमें ये हिरण ला दीजिए। राम बोले, सीते सोने के हिरण नहीं होते, मगर वो नहीं मानी। राम सोने का हिरण देने चले गए। थोड़ी ही देर बाद जंगल से आवाजें आने लगी, मर गया लक्ष्मण, बचाओ बचाओ लक्ष्मण। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, देखो देखो तुम्हारे भाई किस संकट में फंस गए। लक्ष्मण बोले, राम कभी नहीं मरता, ये आवाज राम की नहीं हो सकती। सीता जी बिगड़ गई। लक्ष्मण उनकी आज्ञा का पालन करने पर मजबूर हो गए और उसी तरफ चल पड़े जिधर राम गए थे। मगर दूसरे ही पल वापस आए और अपने धनुष के बाण से कुटिया के गिर्द एक लकीर खींच दी। सीता जी ने पूछा, ये लकीर क्या है? लक्ष्मण बोले, ये लकीर नहीं, ग्रस्त की सीमा है। औरत का सुहाग, उसकी इज्जत, उसका साम्राज्य सब इसके अंदर अंदर सुरक्षित है। माता, कभी इस लकीर से बाहर न जाना। इसी तरह की एक लकीर की कहानी ये है। Ha ha ha।
जादू। लब पर तेरे लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू, जुल्फों का हर पीच बुलाए, जुल्फों का हर पीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे, आ जा जा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे, लाख बलाए सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ में छूटे, लाख बलाए सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न झूठे, तन से चाहे जो छूट जाए, हाथ से तेरा हाथ न छूटे, मुड़ के तकना ठीक नहीं है, मुड़ के तकना ठीक नहीं है, अब चाहे संसार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे, अब मैं जाऊं? इतनी जल्दी? शाम हो गई। वक्त इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है? क्या मालूम, तुम्हारी तस्वीर आज भी ना बना सका। छोड़ो अब कल बनाना। मीना। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तस्वीर बनाओ। मालूम होता ये तस्वीर अधूरी रह जाएगी। क्यों? तुम्हें देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, तस्वीर को भी और अपने आप को भी। ये बात है तो एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। तुम्हें भूल जाऊंगा तो जीऊंगा कैसे? तुम मेरे गीतों की जान हो मीना, मेरी कला हो, मेरी आत्मा हो। तुम्हें कभी सुबह के नूर में देखता हूँ, कभी रात की चांदनी में। तुम एक जादू हो, एक नशा हो जो मेरी रूह पर छा गया है। कवि महाशय, आसमान से धरती पर उतर आइए और मेरी तस्वीर पूरी कीजिए। मीना, अब मैं तुमसे एक पल भी जुदा नहीं रह सकता। तो क्या तुम्हारे साथ भाग गाऊं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर जो दुनिया का दस्तूर है वो करो। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करूंगा। मैं कल ही तुम्हारे पापा से मिलने आता हूँ सुबह सवेरे। ला 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 ला। डैडी, डैडी, ये किसका सामान है? तेरी दीदी आई है। दीदी? हाँ। ओ दीदी, 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 खाने की खबर क्यों नहीं दी? हम तुम्हें स्टेशन पर लेने आते। मैंने सोचा अचानक पहुंचूंगी तो ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल मजा नहीं आता। क्यों? मुझे अपने प्यारों का स्वागत करना बहुत अच्छा लगता है दीदी। अब तीसरे भांजे का स्वागत करना, वो आ रहा है खबर देकर। हाँ?
दीदी बंद करो ये सिलसिला, दुनिया में पहले ही इतनी आबादी है और तुम हो कि सांस ही नहीं लेती। मालूम है दीदी दुनिया के बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हें मालूम नहीं? कहते हैं बच्चे पैदा होने की अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिन बाद धरती पर पांव धरने की जगह नहीं रहेगी। ओ, अगर तुझे बच्चे पसंद नहीं तो तू शादी मत करना। नहीं करूंगी। हाँ, और अगर करूंगी भी तो तुम्हारी तरह बच्चे पैदा नहीं करूंगी। शादी से पहले तुम्हारी माँ भी यही कहा करती थी। अगर तुम्हारे पति ने कहा कि बच्चे चाहिए तो क्या करोगी? तुम्हारे मांग के ले जाऊंगी। अगर मैंने नहीं दिए तो? तो जबरदस्ती उठा। अरे बाकी सब कहाँ है? बाकी सब कौन? जीजा जी। वो तो नहीं आए, तुम तो जानती हो उन्हें काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। और डॉली पप्पू? वो यही कहीं ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। मेरा कहाँ निकलना होता है, एक तो बुढ़ापा, दूसरे ये जायदाद की देखभाल, और फिर मीना। तो क्या हुआ? अब वो बड़ी हो गई है ना, अकेले छोड़कर कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। साथ में ले जाऊं तो एक के दो खर्च होते। लेकिन पापा ये आप कंजूस कब से हो गए हैं? कंजूस नहीं बेटा, उसकी शादी करनी है ना, तो फिर लेना देना पड़ेगा। वो लड़का देखा है आपने? हाँ हाँ, लड़के तो कई है जान में, लेकिन अभी किसी से बात नहीं की। अब तू आई है ना तो ठीक है पापा, इस बार मैं मीना की शादी पक्की करके ही जाऊंगी। अच्छा। स्टेशन आ गया। मम्मी के लिए और बड़े डैडी के लिए। अब गाड़ी वापस जाएगी। यहाँ आकर तो बच्चे मुझे बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मीना ही इनकी माँ है। अरे वो भी तो बच्चों के साथ बच्चा हो जाती है। पप्पू डॉली यहाँ ठहरेंगे, आंटी अभी आती है। शाबाश। आंटी आप बहुत चालाक हैं। क्यों बेटे? हमारे कपड़े सबके सामने उतार देती हैं और अपने कपड़े हमारे सामने नहीं उतारती। ऐसी बातें नहीं क्या करते? बुरी बात होती है ना आंटी? बहुत बुरी बात होती है। जाओ दोनों आराम से सो जाओ। मैंने पहले कहानी सुनाई है। हाँ आंटी, पहले कहानी आज नहीं कल। नहीं आंटी, आज आज। अच्छा जाओ दोनों वहां जाके बैठ जाओ। ऐसे नहीं। शाबाश। एक ही लड़की का?
की मेरी सहेली साथ पली और साथी खेली फूलों जैसे गाल थे उसके रेशम जैसे बाल थे उसके हंसती थी और गाती थी वो सबके मन को भाती थी वो झालरदार शर्ट पहन के जब चलती थी भोपन छन के हम उसको गुड़िया कहते थे रंगों की पुड़िया कहते थे सारी सूती प्यारी थी वो नन्ही राजकुमारी थी वो एक दिन उसने भोलेपन से पूछा ये पापा से जाके अब मैं खुश रहती हूँ जैसे सदा ही क्या खुश रहूंगी ऐसे पापा बोले मेरे बच्चे बात बताऊं तुझको सच्ची कल की बात न कोई जाने कहते हैं ये सभी सियाने ये मत सोचो चल क्या होगा जो भी होगा अच्छा होगा ये मत सोचो चल क्या होगा जो भी होगा अच्छा होगा बचपन बीता आई जवानी लड़की बन गई रूठी रानी कॉलेज में किकलाती फिरती गलफाती लहराती फिरती एक सुंदर चंचल लड़के ने छुप कर छुप के से लड़की की तस्वीर बनाई और ये कहकर उसे दिखाई किस पर अपना नाम तो लिख दो छोटा सा पैगाम तो लिख दो लड़की पहले तो शर्माई फिर मन में मुस्काई बोली एक तस्वीर तुम्हारी मैंने भी है दिल में उतारी बोलो इस पर नाम लिखोगे तुम भी कुछ पैगाम लिखोगे लड़का बोला नाम भी एक है अब अपना पैगाम भी एक है अब तो दोनों गाते फिरते मस्ती में लहराते फिरते एक दिन उसने भोलेपन से पूछा ये अपने साजन से अब मैं खुश रहती हूँ जैसे सदा ही क्या खुश रहूंगी ऐसे उसने कहा कि मेरी रानी इतनी बात है मैंने जानी कल की बात न कोई जाने कहते हैं ये सब ये मत सोचो चल क्या होगा जो भी होगा अच्छा होगा ये मत सोचो चल क्या होगा जो भी होगा अच्छा होगा ये मत सोचो चल क्या होगा जो भी होगा अच्छा होगा Thank you.
माफ कीजिए, मैं आपको मीना समझा था। कौन है आप? जी मेरा नाम राजेंद्र है, आप मीना की बड़ी बहन है। हाँ। आप बंबई रहती हैं, मीना इतना जिक्र करती रहती है आपका, मैं देखते ही पहचान गया। आप मीना को कब से जानते हैं? बहुत दिन से, हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। आजकल आप क्या करते हैं? जी कुछ खास नहीं, करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कोई तस्वीर बना लेता हूँ, कभी रेडियो पर गाना गा लेता हूँ। ठीक से क्या करना चाहिए अभी कुछ फैसला नहीं कर सका। अच्छा, आप वो राजेंद्र हैं, रेडियो सिंगर? जी। बहुत अच्छा गाते हैं आप। इनायत है आपकी। आपके घर में कौन कौन है? सभी हैं, माता जी, पिता जी, दो बहनें, एक बड़ा भाई, खानदानी पेशा जंगलात की ठेकेदारी है। बस एक मैं ही निकम्मा निकला, बाकी तो सब। दीदी, दीदी, आप ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। जी मीना, सुनो तो, सुनो तो, देखो घर आए हुए मेहमान की खातिर करनी चाहिए। आओ ना दीदी, आओ ना दीदी। अरे अरे ठहरिए ना। देखा, उसे देखकर तुम चली आई और तुम्हें देखकर वो भाग गया। मैं समझ गई, लड़का मुझे पसंद है, पापा से बात करो, वो उन्हीं से तो मिलने आए थे। अच्छा चलो, अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हारी शादी अपने हाथों से ही करके जाऊंगी। इससे आज से तुम और मैं अजनबी। जरा दूर से बात करो। क्यों? कल जब दीदी मुझे लेकर आई तो तुम क्यों चले गए थे? कोई खास बात तो नहीं, मुझे तो शर्म आ गई थी। हाय हाय, शर्म आ गई। तुम्हारी दीदी ने इस बात का बुरा तो नहीं माना? बहुत। क्या कहती थी? कहती थी कि छोड़ो, क्या बताऊं, बहुत सी बातें करती रही। मीना बताओ ना, क्या कहती थी? कौन है, मैं बताऊंगी। मीना प्लीज बताओ ना। दीदी कहती थी कि लड़का बहुत 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 अच्छा। कैसा बनाया? बनाती तो तुम हमेशा ही मुझे। अच्छा बताओ और क्या कहा दीदी? दीदी दीदी कह रही थी कि वो खुद ही पापा से बात करेगी। ठीक है, तो मैं आज ही अपना बिस्तर गोल करता हूँ। आखिर मुझे भी तो अपने घर वालों से बात करनी है। अगर घर वालों ने इनकार कर दिया तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता मीना, मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। एक बात पूछो, शादी के बाद तुम मुझे झगड़ा तो नहीं करोगे? करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? ऐसा क्यों? जब मैं अपनी बाएं फैला के तुम्हें कहूंगा कि मीना मेरी जान, मेरे पास आओ, और अगर तुम ना आए तो जरूर झगड़ा करूंगा। जी हाँ, अस्पताल। क्यों? बड़ी बीबी पहाड़ी से Thank you.
बेटा अशोक, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। तुमने कमला को मेरे पास भेजा था, मैं तुम्हारी अमानत वापस नहीं कर सका। तुम्हारी चीज खो गई मेरे हाथ से, जो सजा चाहो दे दो। मैंने कमल से कहा था कि बच्चा हो जाने के बाद चली जाना, किसे मालूम। जरा सख्ती से कहता तो शायद यहाँ ना आती, शायद बची जाती। लेकिन मेरी तो कमर ही टूट गई है। तुम्हारा दुख समझता हूँ बेटा। कमला की अचानक मौत से तुम्हारे दिल पे बिजली टूट पड़ी। दुनिया अंधेर हो गई, पर उसकी मर्जी के सामने कौन संभाल सकता है। तुम जवान हो, मेरी तरफ देखो। मरने के सिवाय कोई तमन्ना नहीं रह गई, फिर भी जिंदा हो। जवान बेटी आंखों के सामने उठ गई, मैंने उफ नहीं की। मैंने सबर कर लिया, मैंने सबर कर लिया बेटा। इंसान किस्मत के सामने कहीं कह सकता है। शायद मेरे भाग में पत्नी सुख लिखा ही नहीं था। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। मुझे अपना नहीं पिताजी, इन बच्चों का गम है जो आज बेसहारा हो गए। कमल जब तक थी मुझे ना अपनी फिक्र थी ना बच्चों की, मेरा इनका छोटे से छोटा काम वही करती थी। लेकिन आज आज मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं ये सब कैसे करूंगा। दिल छोटा ना करो बेटा, भगवान की यही मर्जी थी। आप ठीक कहते हैं, अगर भगवान की यही मर्जी है कि ये बच्चे दुख झेलें, तकलीफें उठाएं, इन्हें माँ का प्यार नसीब ना हो, तो उसकी मर्जी के आगे मुझे सर झुकाना ही पड़ेगा। क्या होगा इन बच्चों का। मम्मी कहाँ गई हैं आंटी? मम्मी कब आएंगी? आ जाएंगी बेटे, तुम लोग सो जाओ। हमें क्यों छोड़ के गई? जब मम्मी आएंगी तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। डॉली तुम भी बात नहीं करना। हाँ मैं भी नहीं बात करूंगी। आंटी आप भी बात नहीं करना। नहीं करूंगी बेटे, नहीं करूंगी, तुम लोग सो जाओ। आंटी आप क्यों रोती हैं? कुछ नहीं, बड़े डैडी भी रोते हैं, डैडी भी रोते हैं, आया भी रोती है। नौकर कहता है कोई मर जाता है तो रोते हैं। हमारे घर में कौन मर गया आंटी? मरना क्या होता है आंटी? देख लीजिए कपड़े ठीक है, मैं बंद करती हूँ। गरम कपड़ों को यही रहने दो मीना, बच्चों को लेने के लिए तो फिर आना ही है, तब जरूरत पड़ेगी। मैं करती हूँ। सुबह किस वक्त जा रहे हैं? मेरा ख्याल है बच्चों के जागने से पहले ही चला जाऊं। बच्चे उठ जाएंगे तो फिर रोने लगेंगे, जाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे जाने के बाद अगर तुमसे पूछे तो उन्हें बहला लेना। मीना मैं तो कहता हूँ उन्हें समझा देना जरूरी है कि उनकी माँ जिंदा नहीं है। सच बात को बहुत दिन छुपाने से बात नहीं बनेगी। अभी मत जाओ अशोक, कुछ दिन और ठहर जाओ। अब बात यह है, पहले यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब ज्यादा ठहरना मुश्किल है, वहां बहुत काम पड़ा हुआ है। वो तो ठीक, दो चार दिन और ठहर जाते तो अच्छा होता। तुम्हारी वजह से मेरा भी जी बहला हुआ है। तुम्हारे जाने की खबर सुनकर मुझे तो घबराहट सी हो गई। Thank you.
बच्चे सो गए मीना? सो गए। मीना जी बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब से कमला की मौत हुई है मेरा दिमाग काम नहीं करता। इन बच्चों का बिलखना मुझसे नहीं देखा जाता, हर वक्त यही सोचता रहता हूँ इनका क्या होगा। तुम तो जानती हो अशोक सदा काम काज में लगा रहता है, वो इनकी देखभाल कैसे कर सकेगा। दोनों को अपने पास क्यों न रख ले? यहाँ भी कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? मैं जो हूं। तुम कितने दिन हो? शादी हो जाएगी, तुम अपने घर चली जाओगी, दूसरे अशोक अभी जवान है, बड़ा बैरिस्टर है, उसकी बड़ी पोजीशन है, नाम है, इज्जत है, ऐसे आदमी की तरफ लोग आंखें लगाए बैठे रहते। कुछ दिन बाद रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, दूसरी औरत आ गई तो राम जाने इन बच्चों के साथ क्या बर्ताव करें। फिर क्या करें? मेरा तो रो रो के दिमाग खाली हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। अकल तो मेरी भी काम नहीं करती बेटी, एक तो बुढ़ापा, दूसरे इस कमला की मौत से मेरी तो कमर ही तोड़। एक रास्ता आया है मेरे ध्यान में, मालूम नहीं मुझे ये बात कहने भी चाहिए कि नहीं। ऐसी क्या बात है डैडी? बात यह है बेटी, माँ बाप हमेशा अपने औलाद की भलाई चाहते। अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना। कही तो सही बेटी, बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते, बड़ी बहन की औलाद भी अपने औलाद के बराबर होते हैं। मैं अभी तक आपका मतलब नहीं समझी बेटी। उन्हें माँ का प्यार चाहिए और वो प्यार सिर्फ तुम दे सकते। आपका मतलब हमेशा नहीं 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 डरी है, ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकती। मम्मी मुझे छोड़ के मत जा। वो हाथ जो मेरे गले में पड़े हुए थे,
उन्हें मैं अलग न कर सकी। बच्चों की मोहब्बत मेरी मोहब्बत पर छा गई। मैं अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गई। वो मोहब्बत जिसने बहुत से ख्वाब देखे थे, बहुत से वादे किए थे, उसे गला घोंट कर मार डाला। अपनी उम्मीदों और उमंगों की चिता में बैठकर मैंने उसे खुद अपने हाथों से आग लगा दी। और इस पहली मीना के अंदर से एक नई मीना ने जन्म लिया, जो दो बच्चों की मां थी। एक ऐसे इंसान की पत्नी थी जिससे उसने कभी मोहब्बत नहीं की थी। एक ऐसे घर में दाखिल हो रही थी जो पुराना होते हुए भी उसके लिए नया था। जिंदगी के इस नए रूप के बारे में उसने कभी कुछ नहीं सोचा था, कभी कोई ख्वाब नहीं देखे थे। उसने सब कुछ गर्दन झुकाकर कबूल कर लिया, जैसे अपनी किस्मत के आगे हथियार डाल दिए हों। गुड मॉर्निंग। मेरे पास पत्नी, जरा जल्दी।
छड़ी नैपकिन कहा दिया। थैंक यू। बच्चों ने नाश्ता कर लिया? जी हाँ, स्कूल चले गए। तुम बैठो, नाश्ता करो। कर लूंगी, पहले आपके लिए चाय तो बना दूं। मर्सी बोकू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तिल मदाम, एक चमच रोज भूल जाती हो। दूध नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं, मशेर। मशेर? शेर, डियर डार्लिंग, बैठो। मेरे पास वक्त नहीं, मजा जल्दी में उन्हें बस। एक तो लीजिए, देर हो जाएगी। बाय बाय। मर्सी बकू मैडम, थैंक यू। अरे जालिम, मैना की तरह काहे हूं अपनी फिरत है? सफा बताई कि जान लाई कर रही हमार। क्या लाल, हम तुमको कितना टाइम बोला, हमको मत करे, एकदम नहीं मांगता। काहे इतना लंबा नाम लेकर जवान को तकलीफ दे थेरी, प्यारी का ही नहीं कहते, छोटा भी रही मीठा भी रही। तुम ऐसा नहीं मानेगा, हम साथ से बोल के तुमको एकदम आउट करा देगा। जरूर कराई, हम धुनी रमाई के दरवाजे के बाहर जाए के बैठ जाए। अपने राम तो जिया राम में ठान लई है, अयोध्या जाइबे तो सीता संग लेके जाइबे। तुम्हारा बराबर कंप्लेन करेगा। भला का कहिबे? हम बोलेगा प्यारे लाल हमको सब खोटा खोटा बात बोलता। तू का समझी है री, हमार मुंह में जबान नहीं का। तुम क्या बोलेगा? हम कहीं साहिब, हुजूर हमार फैसला भी कर दो साहिब, परदेसी समझ कर अलबेली ना हमका लूट लेन है सरकार। अरे मोरी की जरिया, तो ये अपना साहब है कि एक पीछे एक दुई दुई शादी रचाई दुई बार, तो तू है कब पहली माई आना कानी करे है। पर हम तुमको कितना टाइम बोला, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं बनाने सकता। तुम पूर्वी हम गोवानी, तुम हिंदू हम क्रिश्चियन, तुम्हारा भाषा दूसरा हमारा दूसरा। का ही भाषा के कारण एक दिल के दुई टुकड़े करे है? अरे रोज बड़े बड़े नेताजी अपना देश में भाषण करे, जात पात को मिटाई दो, इका भेदभाव को खत्म कर। अब तू है का भुवानी पूर्वी का किस्सा लेकर बैठत है? सब बात की एक बात सुन लो, कि तू हमरे मुन्ने की माँ ना ही बने है, हम जिंदगी भर बाल ब्रह्मचारी रही भी। Shut up! The lessee will ascertain beforehand the days on which the owner will do the business for use and parties concerned. Please type it out. Hello. ये कल आइया, अच्छी बात है, तो फिर करीब 8 बजे घर आ जाइए, अच्छी बात। क्या करूँ, रोज देर हो जाती है। मर्सी बकू मशेर, कोई रिश्ते रात का इंतजार कर रहे हैं। जगदीश राज, पुरुषोत्तम अंबाड़ाल देसाई, जमींदार ऑफ रवाल इन डिस्ट्रिक्ट नासिक, जगराव राव। आप तीनों जमींदार साहब के लड़के? जी तो आप लोग अपील करना चाहते हैं? जी। खाना रखवा दूं? बैठ जाइए, थोड़ी देर बाद। पेशी कब है? पेशी 18 तारीख को हाईकोर्ट में। मुझे यकीन है ये केस आप जीत जाएंगे, आपकी जायदाद मैं आपको वापस दिला दूंगा। अरे यार कभी तो छुट्टी किया करो। दीपा सुरेश आओ। हाय मीना, आओ दीपा। इतवार को भी फाइलों में उलझे हुए हो? हाय खून का मुकदमा आ गया था, कल ही हियरिंग है इसलिए देख रहा था।
ऐसे बस काम काम काम, जब देखो मोटी मोटी किताबों में उलझे रहते हो। अशोक, अगर मैं तुम्हारी बीवी होती तो कब से छोड़ के भाग गई होती। और अपनी भी तो कहो, तो कैसे निपरे तुम दोनों की, झगड़ा वाला तो नहीं होता ना अब? वो तो कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्यों का जवाब किसी ने दिया है जो मैं दूंगी। बस समझ लो, इन्हें हमारी हरकतें पसंद नहीं। सुरेश, तुम्हें दीपा की हरकतें पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं दीपा, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हम तो करेंगे भाई, तुम्हें अपनी आदत मालूम है, हम जो करते हैं बस करते हैं। देखा अशोक कैसी बातें करती है। यही क्या, तुम्हें तो मेरी कोई बात पसंद नहीं। सैर तफरी, नाच गाना, पिकनिक पार्टी, क्लब जाना, तुम्हें तो हर चीज से नफरत है। यही था तो सन्यास क्यों नहीं ले लिया, शादी क्यों की मुझसे? शादी की तो झक मारी मैंने। झक? सुन लिया अशोक, अब मैं तुम्हारे साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं अशोक, जाने दो मुझे। देख लो अशोक, देखा मीना, पति पत्नी जब एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते तो ये हाल होता है। शादी से पहले एक दूसरे को कितना चाहते थे ये लोग। अच्छा मैं काम कर लूं। मीना जी, तुम्हारी चिट्ठी। माय डियर मीना, मैं यहाँ राजी खुशी हूँ, उम्मीद है आप। किसकी चिट्ठी? पापा की चिट्ठी है। क्या लिखा था? बच्चे हैं ना? उन्होंने बुलाया है, कहते हैं बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई होंगी, आजकल नैनीताल का मौसम बहुत ही अच्छा है, तुम सब कुछ दिनों के लिए यहाँ चले आओ। ठीक लिखा उन्होंने, तुम बच्चों को लेकर आज ही चली जाओ। आप भी चलिए ना। मैं देखती तो कितना काम। अगर आप नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। माय शेर, देख लो छुट्टी कब है। हाँ, एनिवर्सरी ऑफ विनोद कुमार यार। क्या हुआ? 26 तारीख को हमारी शादी की पहली सालगिरह है, उसमें जरूर आ जाऊंगा। तुम डैडी से कहना आज। क्या हुआ, यकीन नहीं आता? मैं जरूर आ जाऊंगा मीना, प्रॉमिस। तुम बच्चों को लेकर चली जाओ, फिर गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मीना। अशोक नहीं आया? उन्हें फुर्सत नहीं थी पापा। आए, तेरे लिए भी फुर्सत नहीं तो किसके लिए होगी? काम बहुत है। काम काम काम, काम कोई सजा है क्या? इंसान को कभी तो आराम करना चाहिए। आजकल के नौजवान इसीलिए वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं और हंसने खेलने को गुनाह समझते हैं। पापा, वो कहते थे शादी की सालगिरह पर जरूर आएंगे। आना ही चाहिए, मैंने नैनीताल के अपने सब दोस्तों को दावत दे रखी है। जरूर आएंगे पापा, उन्होंने मुझसे वादा किया है। वेरी गुड। हेलो डॉक्टर सिंह। हेलो मिस्टर। नमस्ते। हेलो, हाउ आर यू? अरे दीवान साहब, नमस्ते जी, नमस्ते। अरे सेठ जी, नमस्ते। अरे इंस्पेक्टर साहब, मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। अरे भाई कहाँ है आप? आप तो ईद का चांद हो गए। अजी जनाब, ये दावत की खुशी में क्या डाली? आपको देखने के लिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए चलिए चलिए। मिर्जा साहब, मीना की शादी बड़ी रवानगी में की थी, दोस्तों को दावत नहीं दे सका था। आज उसकी शादी की पहली सालगिरह। अच्छा, मुबारक हो। दामाद कहाँ है तुम्हारा? आज आने वाला था, बस आता ही होगा। और मीना? मीना अपने कमरे में है। अच्छा। मीना,
मम्मी ये बिंदी तो लगाइए। लगाइए मम्मी। लगाती हूँ बेटे, रखो ना। मम्मी ये हार बहुत अच्छा है, इसे पहनिए। ओहो पहनती हूँ बाबा, मुझे जरा चैन तो लेने दो। मम्मी जब डैडी आएंगे तो आप छिप जाना। अच्छा। हम डैडी को कहेंगे कि मम्मी घर पे नहीं है। अच्छा। मम्मी हम डैडी के साथ रोज घोड़े पर घूमने जाएंगे। नहीं लेक में बोटिंग करने जाएंगे। नहीं घोड़े पर घूमने जाएंगे। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। देखो हमेशा ही लड़ाई। देखा बाल खराब कर लिए। मीना मीना ये लो। किसका है? उनका है। क्या लिखा? नहीं आ सकते, जरूरी काम निकल आया है। काम काम काम, हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। मैंने इतने दोस्त दावत पर बुला रखे, वो क्या कहेंगे? मम्मी डैडी आपसे प्यार नहीं करते तो आप भी मत बोलिएगा डैडी से। चलो डाली हम लोग खेलें। हो जाएंगे कल बार।
का हार पुकारे आजा जा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो लूट के मेरे दिल की दुनिया प्यार के झूले झूलने वाले लूट के मेरे दिल की दुनिया प्यार के झूले झूलने वाले पत्थर बन के यूं चुप क्यों है कुछ तो कहो भूलने वाले एक पुरानी याद बुलाए एक पुरानी याद बुलाए एक टूटा इकरार पुकारे आजा जा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो गाना पसंद नहीं आया आपको? वंडरफुल, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गाते हो मीना। मीना ये राजेंद्र है, मैं इसे राजेंद्र दीवाना कहता हूँ। बहुत अच्छा कलाकार है, रुपया है, पोजीशन है, खानदान है, मगर बच्चा नहीं नहीं करता। आया आया मिर्जा साहब आया। बताऊं क्यों शादी नहीं करता? मैंने एक लड़की से मोहब्बत की थी, वो मुझे छोड़कर चली गई। ये बताए बगैर कि मेरा कसूर क्या था? काश तो मेरी मजबूरी को समझते राजेंद्र। मजबूरी को समझने से क्या गहो भर जाएंगे? जो कहानी खत्म हो गई है उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं। कहानी खत्म नहीं हुई, अधूरी रह गई है। ये कहानी अब कभी पूरी नहीं होगी। सुनो, मुझसे एक बार भी नहीं मिलोगी। मैं वो सामने रहता हूं, उसी पहाड़ी वाले मकान में। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वही 4 बजे। मैं नहीं आ सकूंगी। मैं इंतजार करूंगा। नेचर इतनी क्यों पसंद है तुम्हें? जिधर देखो यही तस्वीरें बना रखी हैं, पहाड़, दरिया, चश्मे। ये इंसानों से ज्यादा खूबसूरत हैं क्या? ये इंसानों की तरह धोखा नहीं देते। मैं
बीती हुई बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं राजन। अच्छा होगा तुम भी शादी कर लो, जी बहल जाएगा। तुम्हारा जी बहल गया? मुमकिन है तुम्हारा जी बहल गया हो। मैं तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा कमजोर इंसान हूं, शायद मेरा जी ना बहल सके। खैर छोड़ो, बीती बातों का गम नहीं करना चाहिए। एक शायर ने कहा है, सोचा ना था कि आएगा ये दिन भी फिर कभी, एक बार हम मिले हैं जरा मुस्कुरा तो लें। क्या जाने अब ना उल्फते देरीना याद आए, इस हुस्ने इख्तियार पे आंखें झुका तो लें। बरसा लबों से फूल तेरी उम्र हो दराज, समझे हुए तो हैं पदरा डगमगा तो लें। और अपना अपना अहद वफा भूल जाए हम। मीना, ये तस्वीर जो अधूरी रह गई थी, आओ इसे पूरा कर लें, यादगार रहेगी। आओ बैठो, आओ। आदाब मिर्जा साहब। जीते रहो। अच्छा तुम हो साहबजादे, घास चरने आए हो क्या जंगल में अकेले? अकेला नहीं मिर्जा साहब, दो हैं। दूसरा कौन है? आप। अच्छा बरखुरदार हो ही में जुमला चुस्त कर दिया, कोई मजाक नहीं। आदाब। मेरी तो जान ही निकल गई थी, मिर्जा साहब देख लेते तो कितनी बदनामी होती। कल कब मिलोगे? वही 4 बजे। मैं इंतजार करूंगा। बाय बाय। बाय बाय। आप कब आए?
का शहर जब तुमने देख लिया। देख लिया? ये थे। आप यहाँ कब से खड़े हैं? अभी भी तो आया, अंदर देखा तुम नहीं थी तो मैं बाहर ढूंढने चला आया। पुण्य तो पारक दिन बारह जी, मुझे देख कर तुम खुश नहीं हो? नहीं। सुनो तो सही, इस तरह भागी चली जा रही हो जैसी। मैं जानता तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हें नाराज होना ही चाहिए। शादी की सालगिरह में नहीं आया इसलिए ना। क्या करूं मीना, एन वक्त पर ऐसा जरूरी काम आ पड़ा कि मुझे टिकट वापस करने पड़े। क्या तिल मदाम, क्या बात है? सबूत चाहिए। सबूत? हाँ, कि मैं यहाँ आना चाहता था लेकिन आ नहीं सका। क्या सबूत है? ये हीरे की अंगूठी इसी मौके के लिए बनवाई थी तुम्हारे लिए। रिश्वत दे रहे? हाँ, रिश्वत ही दे रहा हूँ मीना। ये अंगूठी मेरी मोहब्बत का एक रूप है, इसे कभी अपने से अलग न होने देना। कोई खास बात है? हाँ, खास ही बात है मीना। इस मामले में मैं जरा वहमी आदमी हूँ। जिस दिन देखूंगा अंगूठी तुम्हारी उंगली में नहीं है, उस दिन समझूंगा कि तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। लेकिन लेकिन मैं जानता हूं ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मीना, तुमने मेरा इंतजार तो बहुत किया होगा। क्या हुआ मीना? चार बज गए। चार ही तो बजे? जी, मेरा मतलब है कि दिन कितनी जल्दी बीत गया। ओ, मैं जो आ गया हूँ। कशिश है इस गाने में, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो।
मैं यहाँ खींचा चला आया तो जिसके लिए गा रहा है उस पर क्या बीत रही होगी, है ना? क्या तेल जी? चलो देखे कौन है। जी नहीं, घर चलिए, बहुत रात हो गई है। भूले मैडम, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो हेलो माय डियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वक्त खराब कर रहा था। ओह, तुम्हारा मतलब है तस्वीर बना रहे थे? जी हाँ, यूं ही कुदरत के रंगों से खेल रहा था। है, तुम इन्हें जानते हो? कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। ये मेरे दामाद अशोक। ओह, मैंने भी यही सोचा था। बम्बई से आए हैं, बहुत बड़े परिचित। मुझे राजेंद्र कहते हैं और मैं सिर्फ वक्त खराब कर रहा हूँ। तस्वीरें बनाता है अशोक, ये बहुत अच्छा चित्रकार है। वंडरफुल मसीह, जे सुई तरह जरा देखो हुआ। मैंने कहा आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुझे, मैं आपकी तस्वीर देख सकता हूँ? जरूर। अरे यहाँ क्या देखते हो, इसके घर जाके देखो, एक से एक बढ़िया तस्वीरें देखते हो। अजी साहब, आप तो खामखा मेरी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन राजन साहब, पेंटिंग से मुझे बड़ी दिलचस्पी है। आप चाहें या न चाहें, मैं आपकी तस्वीरें जरूर देखूंगा। अब बड़े शौक से आइए। चलिए। मेरु भैयो मसिए हुजतन आर्टिस्ट वे सेलेब्र। इसका ये मतलब हुआ कि आपको मेरी तस्वीरें पसंद नहीं है? जी नहीं, मैंने फ्रेंच में कहा कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। जी, मुझे तो कोई जानता भी नहीं। वक्त आने दीजिए, सब जान जाएंगे। इतना बड़ा आर्टिस्ट कभी छुप नहीं सकता। वाह, क्या बात। वाह, लाइन कंपोजिशन, कलर कॉम्बिनेशन, बैलेंस। आपका क्या ख्याल है अगर समंदर का रंग जरा गहरा होता? आप भी पेंटर हैं क्या? अच्छा खाना खाने के लिए रसोईया बनने की जरूरत नहीं। कहाँ एक वकील, कहाँ एक आर्टिस्ट। वाह, कमाल, वंडरफुल, क्या खूबसूरत। आपका मकान तो एक आर्ट गैलरी है राजन साहब। लेकिन एक बात है, आपने नेचर पर बहुत जोर दिया, इंसानों की तस्वीर क्यों नहीं बनाई? यही सवाल पहले भी किसी ने किया था। किसने? किसी आर्टिस्ट ने? कोई था। और आपने क्या जवाब दिया? मेरा जवाब था, नेचर धोखा नहीं देती, इंसान धोखा दे जाता। हो सकता है इंसानों के बारे में आपका तजुर्बा ठीक ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ अक्सर इंसान अच्छे होते हैं। आप मुझसे ज्यादा खुशनसीब आदमी हैं। हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इंसानों की तस्वीर बनाना ही छोड़ दें। हेलो मीना, ये आप क्या लिए चले आ रहे हैं? किसी ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। तोहफा? किसने? देख लो, खुद ही समझ जाओगी। हैरान हो गई ना देखकर? मैं भी हैरान हो गया था, इतना खूबसूरत मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, तस्वीर देख रही थी। तस्वीर नहीं, तस्वीर बनाने वाले को देखो, कमाल तो उसका है। चीजों में जो खूबसूरती एक कलाकार की आंख देखती है, वो कोई नहीं देख सकता। जानती हो मीना, तुम्हारे सिवा उसने किसी का पोर्ट्रेट नहीं बनाया। मुझे नहीं मालूम। दीवाना है, कहता है इंसान धोखा दे जाते हैं। मालूम होता कोई गहरी चोट खाई है उसने। मीना, आज रात को मैंने उसे खाने पर बुलाया है। अच्छा। आदमी दिलचस्प है, मुझे बहुत पसंद है।
जदी रोंकोट बुद्धा तन आर्टिस्ट प्रेस सेलेब्र मसीह नाम भूल गया आपका राजेंद्र राजेंद्र देखिए आप इतने बड़े कलाकार हैं छोटी सी जगह में दुनिया के कोने में पड़े हुए हैं कोई बड़ी जगह में जाते हैं कलकत्ता बंबई शोहरत होती है नाम होता है इज्जत होती है लेकिन यहाँ क्या है जिले से आपको क्या इश्क है मैं समझ गया आप तन्हा रहना चाहते हैं क्योंकि लोगों में आपको कोई खूबी नजर नहीं आती क्योंकि इंसान आपको धोखा दे जाते हैं इस बात को मैंने आज ही मीना से किया था और मैं इस नतीजे पर पहुंचा माफ कीजिए आपका हाजमा खराब है जिस वजह से ये खराब है और जिस वजह से दिल खराब है और दिल का इलाज तो सिर्फ दोस्ती कर सकता है तो मीना क्या तिल मैडम क्या बात है मैं अकेला भगवत किए जा रहा हूँ आप दोनों ऐसे खामोश हैं जैसे मैं तो समझता था आप दोनों एक दूसरे का चित्र जानते हैं क्या हुआ भूल गए एक दूसरे लीजिए मैं आप दोनों का तारुफ करा देता हूँ सेमाफाम माय डियर वाइफ मीना देवी सेमोनमी मेरे दोस्त राजेंद्र भाई हद हो गई मीना ये मेरे दोस्त है लेकिन आपके मेहमान है इनके खातिर कीजिए इनसे पूछो तो देने क्या चाहिए जी शुक्रिया मुझे और कुछ नहीं चाहिए मगर मुझे चाहिए मैं खूब जानता हूँ कि आप मीना जानती हूँ बहुत अच्छा गाते हैं इनसे सिफारिश करो कि एक गाना सुनाए अजी गाना क्या ऐसे ही टूटा कर लेता हूँ टूटा इसे हिसाब पर मैं गा दूंगा तो फिर मैं ही गा देता आइए चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों तारुफ
रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, तालुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या दर्द है आवाज में। मीना मैंने कहा था ना कि, माफ करना भाई, मैंने कहा था कि तुमने कोई गहरी चोट खाई है यहाँ। मसी पापा। आपने कहा था ना राजन बहुत बड़े आर्टिस्ट है, हाँ। लेकिन वो गाते उससे अच्छा। अच्छा थैंक यू मिस्टर। बाय बाय। राजी खुशी की चिट्ठी लिखते रहना है? दीपा तो नहीं आई यहाँ? आई है, बैठो। फिर से तुम ना झगड़ा शुरू हो गया। अशोक इस औरत ने तो मेरे नाक में दम कर दिया, जिस बात से मना करता हूँ वही करती है। हुआ क्या? रात फिर सेन के साथ डांस कर रही थी, मना किया तो झगड़ा शुरू कर दिया।
जाने कौन सी मनहूस घड़ी में इससे मुलाकात हुई थी। मनहूस तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए थी। देखो दीपा, आप ही बताइए, किसी के साथ डांस कर लिया तो क्या आसमान टूट पड़ा, जमीन फट गई? दीपा, शादी से पहले तो मेरी हर अदा पसंद थी, बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। दीपा, मैं कितना खुश नसीब हूँ, वो कौन सी शुभ घड़ी थी जब तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी। तुम मेरी जिंदगी में बहार बन के आई हो, मेरे उजड़े गुलशन में फूल खिल गए हैं। पहले कौवे बोलते थे और अब बुलबुलें चहकती हैं। झूठे जमाने भर के, पहले मेरी हर अदा पसंद थी पर आज मेरी हर बात बुरी लगती है। मुझे क्या मालूम था तुम मेरे घर को होटल बना दोगे। जब आओ, कभी नाच के लिए सजी बैठी है, कभी पार्टी में जाने की तैयारी हो रही है, कभी क्लब का प्रोग्राम हो रहा है। अशोक, तुम ही बताओ, ये कोई जिंदगी है? आजकल खाना तो होटल से आता है। ओहो, तो क्या तुम्हारे लिए कमरे में बंद होकर बैठ जाओ? इसका मतलब ये नहीं कि तुम आवारगी करो। सुरेश, देखा अशोक, ये मुझे आवारा कैसे? ये बात नहीं है, तुम्हारे पति को पसंद नहीं जो कुछ तुम करती हो। तो ये तो मैं शादी से पहले भी करती थी। शादी से पहले जो कुछ भी करती थी ठीक था, लेकिन आज तो मेरी बीवी हो, तुम्हें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बदनामी हो। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। लोगों को पकने दो, हम जो करते हैं वो करते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम सेन के साथ जरूर डांस करोगी? हाँ हाँ, करूंगी करूंगी करूंगी। क्या बात है दीपा, आखिर सुरेश तुम्हारा पति है, अगर उसे चीज पसंद है तुम्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो तुम भी इनकी तरफदारी करते हो, समझ गए, ये तुम्हारा दोस्त है ना इसलिए, और मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। समझने की कोशिश करो। मैं समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगी अशोक, मैं तुम्हें कह देती हूँ, इन्होंने मुझे आवारा कहा है, मेरा इनके साथ एक मिनट के लिए भी गुजारा नहीं हो सकता। बस मैं कह देती हूँ, मुझे मुझे तलाक दिलवा दीजिए। सुनो दीपा, अगर ये बात बढ़ गई तो तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। मेरा ख्याल है तुम कुछ करो। अशोक, मैं क्या करो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसे मना लो, जाओ घर जाओ। ये दोनों क्या हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हैं? पता नहीं क्या बात है, पहले तो दीपा ऐसे नहीं थी। मगर वो औरत जिसकी पति की नजर में कोई इज्जत न रहे, उसके साथ कैसे रह सकती है? बदनामी की जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मशेर, सब औरतें ऐसी नहीं होती जैसी तुम। मेरा मतलब है इतनी अच्छी और खूबसूरत। क्या रे लाल, इधर गया मैं? क्या मैं तुम मजनू के माफक बैठे ला, कुछ काम धंधा नहीं करने का? क्या होगा मैं, तुम बोलता क्यों नहीं? हम सोचित रहे। क्या सोचता होता? हम सोचित रहे कि नौकरी छोड़ दे। क्यों, साहब कुछ बोला तुमको? नहीं। मैम साहब? नहीं। फिर तुम क्यों जाता? बस जाते। पर क्यों जाता, हमको तो बोलो ना। तुम्हारा हमारा का संबंध जो हम तुमका बताई दे? ऐसा लगता मैं तुम्हारा डोका फिरेला है, तुम ठीक बात क्यों नहीं करता? कोई भी संभीतामा बड़े जोदा भाई, कोई कुवारे रही सकते, हम ना ही रह सकते। तुम हमारी जिंदगी बिल्कुल खराब कर दे, सगरी रंग जागत बीतत भाई। अब हम ये सोच ले ये बेफिजूल जिंदगी गुजार कर का फायदा। क्या पागल की तरह बात करता मैं, हम अपना मम्मी को लेटर लिख दिया। कहाँ लिख दी हो? बस लिख दिया। छोड़ो मैं, हमको बहुत काम होता। तुम्हारी ये बात हमका बिल्कुल पसंद है, सूखी लकड़ी में आग लगाई कर चल दे तो। अरे बताओ ना, कालिक दिन हो। तुम बहुत पक्का है मैं, सब समझता, हमको खाली पीली तंग करता। तो हर जान का कसम, हम कुछ ना ही समझी। शपथ कसम से, हम अपने मम्मी को लिख दिया, इधर हम अपना नवरा पसंद किया। नवरा का हो तुम, एकदम बुद्धू है मैं, कुछ नहीं समझता। दादा री दादा नौरा। मीना, मीना मशेर, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ जल्दी। इन्हें देखकर हैरान हो गई ना, मैंने क्या कहा था आपसे, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि आप कभी बंबई आ सकते हैं। दरअसल बात क्या बताऊं, हम दोनों की मोहब्बत इन्हें यहाँ खींच लाई क्यों है ना। मेरे पास एक अर्जेंट केस है, इसे देखकर मैं भी आया, आप लोग बातें कीजिए, बस दो मिनट लगेंगे। बैठने के लिए नहीं कहोगे? कैसे आए हो? तुमसे मिलने नहीं आ सकता। ऐसी बात करने से क्या फायदा, जिसका कोई नतीजा ना हो। प्यार तजारत नहीं, जो नफे नुकसान की सोचो। दूसरी ही बात, उनको सपना समझ के भूल चढ़ा जाना। भूल सकता तो यहाँ आता क्यों? मीना,
इस वक्त भी मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बदनामे के जतन मत करो। मीना, मुझे एक फिल्म कंपनी ने बुलाया है, कल मेरे पहले गाने की रिकॉर्डिंग है। तुम सामने होगी तो गाने में जान पड़ जाएगी, वादा करो कि तुम आओगी। मुझ पे एहसान होगा। मगर मैं कैसे आऊं? इनकार मत करो, मेरा दिल टूट जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं? तुम आओगी ना? हाँ कहो। हाँ आऊंगी, कल 4 बजे। सेरा, जो होने वाला होगा। मैं आप जैसे गा तो सकता नहीं। आपने मीना को बता दिया बॉम्बे किस लिए आए हैं? जी नहीं, नहीं बताया। मैं बता दूं, मीना बॉम्बे की एक बहुत बड़ी फिल्म कंपनी ने गाने के लिए बुलाया है। अच्छा? मैंने आपसे कहा था ना, वो सर एन आर्टिस्ट ट्रस्ट लेब, आप बहुत बड़े कलाकार बनेंगे और मुझे यकीन है आप बहुत चमकेंगे। कब रिकॉर्डिंग है? कल। कल मीना, कल इनका गाना सुनने चलेंगे। कितने बजे रिकॉर्डिंग? जी 4 बजे। 4 बजे तो मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। खैर, आपके लिए चलेंगे। मीना 4 बजे तैयार रहना। 4 बजे मैं नहीं जा सकूंगी। क्यों क्यों क्यों? बच्चों का स्कूल से आने का वक्त होता है। आप ही चले जाइए। मीना, मैं तो तुम्हारे लिए चल रहा था, तुम नहीं चलोगी तो सॉरी भाई, फिर कभी। कुछ कम नहीं
नहीं जो अपने एहसान के, पर जो मांगे से न पाया उस लाया दाया, कितने भूले हूँ जख्म का पता याद आया, आप आई तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए आज वो बात नहीं फिर भी कोई बात तो है, मेरे हिस्से में हल्की सी मुलाकात तो है, वैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है, हाय किस बात मुझे कब का गिला याद आया, कितने भूले हूँ जख्म का पता याद आया, आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया, आप आई मुबारक हो, बहुत अच्छा गाया आपने जी, खुश हो गया। थैंक यू मिस्टर, मैं देर से पहुंचा इसलिए बाहर। मशेर तुम यहाँ कैसे, तुम तो आने वाली नहीं थी ना? इनकार कर देने के बाद अच्छा नहीं लगा, सोचा आप भी नहीं होंगे इसलिए चली आई। अजीब इत्तेफाक है, मैंने सोचा तुम नहीं आओगे इसलिए मैं यहाँ चला आया, आज इनके नई जिंदगी का पहला दिन है, सोचा ने बधाई जरूर देनी चाहिए। आपका आ जाना ही बधाई के बराबर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नहीं, शुक्रिया मीना का अदा कीजिए, दरअसल मीना की वजह से हमारी आपसे मुलाकात हुई और आज फिर एक अच्छा गाना सुनने का मौका मिल गया। तो मीना जी चले, चलिए। अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ मीना, मेरा पता क्या तेल मैदान चलोगे? चलिए, तुमने कुछ गिरा दिया मीना। अच्छा बाय बाय। शहर में राजेंद्र की मौजूदगी ने मेरे होश छीन लिए, वो कहानी जो मेरे लिए खत्म हो चुकी थी फिर शुरू हो गई। शायद इस वजह से हुआ, बम्बई बड़ा शहर है, एक एक को नहीं पहचानता और मेरे दिल से वो डर उठ गया जो नैनीताल में था। शायद ही इस वजह से हुआ, राजेंद्र की मोहब्बत आज तक भी मेरे दिल से गई नहीं थी। शायद मैं आज तक अपने को उसका गुनहगार समझती थी। मैं दुनिया की निगाहों से छुप छुप कर मिलने लगी, घंटों बैठे हम एक दूसरे से शिकवा शिकायत करते रहते, तस्वीर बनाते बनाते एक दूसरे को देखने लगते और बीते दिनों की याद में खो जाते। इस तरह वक्त गुजरता चला गया। अशर मैडम जी, तुम बाहर जा रही हो? जी नहीं, मैं तो यूं ही आपने तैयार किस तरह हो जैसे कि हम आपके घंटे इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ आपने घंटे बजाए तो मैं दरवाजे पर। अशर मैडम, मैंने कब घंटे बजाई, मैं तो दरवाजे के बाहर पहुंचा तक नहीं था। बताओ, दिल से दिल को राह होती है, मैंने घर के दरवाजे के बाहर कदम रखा और तुम्हारे दिल की घंटी बज उठी। मीना दरअसल मैं एक केस का ब्रीफ लेने के लिए आया था, लेकिन देखता कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, मैं वापस नहीं जाता।
मुझे जितना काम रहता है किस तरह तुम्हारे साथ बैठ के बातें करना ही नसीब नहीं होता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, घड़ी पीछे मालूम होती है। नो मशर, घड़ी ठीक है, मैं जल्दी आ गया। और मीना, आज से मैंने फैसला कर लिया, आंदे जल्दी ही आ जाऊंगा। क्यों? तो मेरे जल्दी आना तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मतलब है आपको ऑफिस में इतना काम होता है, आप जल्दी घर के जा सकते हैं। काम तो ठीक ही है, घर पे घर है, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हारे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? तो जबकि तुम मेरा इंतजार भी करती रहती हो इस पर। हेलो मीना, रॉन्ग नंबर। आजकल ये रॉन्ग नंबर बहुत लगते हैं। हेलो पप्पू, डॉली, बच्चे स्कूल से आ गए। क्यों, तुमको हमारे जल्दी आना पसंद नहीं? अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है। और तुमको? बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। मम्मी, तुमको भी अच्छा लगता है ना? हाँ बेटे, चलो फिर खेलें। हाँ खेलें, क्या खेलोगे? चोर सिपाही। चोर सिपाही खेलें। दीपा की है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ
सुरेश का घर न बिगड़े तो अच्छा, क्यों मीना? लेकिन अशोक साहब, अगर दीपा सुरेश के साथ नहीं रहना चाहती तो आप उसे क्यों मजबूर करते हैं? शर्म की बात है, आपके ये ख्याल आते हैं? क्यों नहीं, जिस तरह मर्द अपनी मर्जी का मालिक है और आजाद है, उसी तरह औरत को भी होना चाहिए। लेकिन आजादी का मतलब गुमराही नहीं होता। किसी शादीशुदा औरत को घर की चार दीवारी के बाहर जाने का कोई हक नहीं। मैं ऐसी औरत को कभी माफ नहीं कर सकता और न ही ऐसी औरत माफी का काबिल है। तुमने आकर यादों की ठेस ही झील में तूफान उठा दिया, हलचल मचा दी। राजन, तुम यहां से चले जाओ। तुमसे दूर चला गया मीना तो इस पत्थर की तरह पानी की तह में डूब जाऊंगा। अगर हमारा मिलना ठीक नहीं, ऐसा मालूम होता है अशोक को हमारी मुलाकातों का पता चल गया है। सच कहो, तुम अशोक से मोहब्बत करती हो? वो मेरे पति हैं। मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? मोहब्बत करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं उस शमा की तरह जो रात भर सुबह के आरज़ू में जलती है, लेकिन जब सुबह होती है बुझ जाती है, मर जाती है। कि एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत है, दूसरी तरफ अशोक। अशोक तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। एक ऐसी औरत की जरूरत जो उसके बच्चों की देखभाल कर सके, उसके घर का फर्नीचर साफ कर सके, जूतों पर पॉलिश और कपड़ों पर इस्त्री कर सके। मोहब्बत के लिए उसके पास कोई वक्त नहीं। मैं फिर भी उनकी पत्नी हूं। अगर ये भेद खुल गया तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगी। रुसवाई और बदनामी की जिंदगी गुजारना मेरे बस की बात नहीं। मैं इतनी दूर आ गया हूं मीना, अब वापस जाना मेरे बस की बात नहीं, और यहां से आगे जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। राजन, मैं जहां भी हूं मुझे अकेला छोड़। दुनिया में ऐसे भी तो बहुत लोग हैं जिनका कोई नहीं होता। ऐसा मत कहो मीना, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, जिंदगी भर तुम्हारी पूजा कर सकता हूँ। मीना, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को भगवान का दर्जा दे रखा है। राजी, जिंदगी में फर्ज भी कोई चीज है। वो दिन ना आए तो अच्छा है जब मैं अपने आप से नफरत करने लगूं। यहाँ तो कोई नहीं। मैं जाती हूँ। थोड़ी देर तो ठहर जाओ। अब जाने दो। फिर कब मिलोगी? मुझे मालूम नहीं। क्या चाहिए आपको? अपने मन से जी नहीं भरता जो दूसरों पे डोरे डालते फिर क्या भक्ति हो? भक्ति नहीं मेम साहब, मैं माती हूँ। मुझे मालूम है इस वक्त तुम कहाँ की आ रही। आजकल राजेंद्र के साथ बड़े जोरों से आशिकी चल रही है। मैं बिल्कुल नहीं जानती तुम कौन हो। रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। जरूर जाना होगा। पतिदेव अपनी सीता की राह देखते हैं। घर में बहुत बड़ी पार्टी होगी, बड़े बड़े लोग आने वाले होंगे और मेरी सावित्री सब थल धूल धुला के अपने मेहमानों का ऐसे स्वागत करेगी जैसे बड़े आदर्श पतिव्रता स्त्री हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? क्यों इस तरह की बातें करती हो? कमीनी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया। और पूछती है क्यों ऐसी बातें करती? तू जिसकी बगल से उठ के आ रही तो मेरा पति। तुम्हारा पति राजेंद्र? हाँ राजेंद्र, तुम्हारा प्रेमी। ये झूठ है, राजेंद्र की शादी नहीं हुई। उसने मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, ऐसी बातें कोई किसी को बताता है?
तुमने बता दिया अपने पति को राजेंद्र से प्रेम करती है। जिस तरह आज तक तू छिपाती रही उस तरह वो भी छिपाता है। अगर आज मैं तुम दोनों का भांडा फोड़ के रहा
बाबू ले रही। कब? दो ही मिनट हुए गवा। साहब ने देखा? नहीं। चल। अब तुम जाओ। मीना, कल तुम इतनी जल्दी में आई और गई, मैं ठीक से कोई बात भी ना कर सका। तुम परेशान थी, तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान रहा, रात भर सो नहीं सका। मीना, मैं तुमसे एक खास बात करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे घर पर नहीं आ सकती तो मैं थ्री कॉइंस रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक 4 बजे। रजेंद्र। मैं जरूर जाऊंगी। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? आज तक मेरी जिंदगी से क्यों खेलता रहा? मुझे धोखा क्यों देता रहा? शादी कर ली थी तो मुझे बता क्यों नहीं? बहुत अच्छा किया। देखो ना मीना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं पति पत्नी साथ।
हाथ में हाथ और आंखें बता रही हैं कि जागे है सारी रात। और बस 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 आगे कुछ ना कहना। आगे मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरह मैं मीना से प्यार करता हूँ उसी तरह की यतीन भी तुमसे प्यार करता है। अब इसका दिल ना तोड़ना है। प्रॉमिस। इन लोगों को यहाँ बातें करने दो, हम लोग अंदर बातें करेंगे। जाओ। अरे छोड़ो भैया। देखा जहाँ दो औरतें मिली ना कि राज की बातें शुरू। चलो हम अपनी राज की बातें करें। बैठो दीपा। सुरेश के साथ अचानक तुम्हारा समझौता कैसे हो गया? क्यों तुम भी किसी ऐसे ही चक्कर में फंस गई हो क्या? अरे नहीं रे, यूं ही पूछ रही हूँ भाई। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, यूं ही एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया, पति पत्नी वो औरत मर्द हैं जो एक दूसरे की हर बात जानते हैं। अगर आपस में झगड़ा हो भी गया तो बीच में तीसरे आदमी का क्या काम। यही सोचकर सीधी सुरेश के पास गई और अपनी फूल को मान लिया और उसके कदमों पर गिर पड़ी। फिर क्या, उन्होंने उठाकर मुझे गले से लगा लिया और जब गले से मिल गया तो सारा गिला जाता रहा। मुझे डर नहीं लगा। अरे डर किस बात का? अगर वो माफ ना करता तो तब देखा जाता। भाई तुम्हें अपनी आदत मालूम है, एक काम करते हैं बस करते हैं। ए, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मैं भी माफी मांग लूं? क्या कहा मीना? तुमने कुछ कहा? जी कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि दीपा और सुरेश का झगड़ा खत्म हो गया। अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। सुरेश अच्छा आदमी है, उसने दीपा को माफ कर दिया। वी वी मशर मदाम वी। आप सुरेश की जगह होते तो क्या करते? पर मैं क्यों होता सुरेश की जगह? नहीं मैं यूं ही पूछ रही थी। मैं कभी माफ ना करता, मैं तो सजा देता। क्यों पूछ रही हो? अगर मैं दीपा की जगह होती तो कभी माफी नहीं मांगती। क्यों? इंसान सजा से डरता है। गुनाह से क्यों नहीं डरता? मैंने कहा अगर इंसान सजा से इतना डरता है तो बुरे काम करता है क्यों? क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं भी यही सोच रही थी कि इंसान बुरे काम क्यों करता है। लेकिन इन सब बातों से तुम्हें क्या वास्ता? इन्हें जरा देखो कोई आया। कोई नई मुसीबत लेकर आई हो? घबरा मत, आज मैं दोस्त बनकर आई हूँ, दुश्मन नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे तंग आ गई, मेरे सूरत देखते ही तुम्हें एक झटका सा लगता है ना? मेरी भूख प्यास उड़ गई है, रातों को नींद नहीं आती। वाकई तुम पर बड़ा जुल्म हुआ है। राजू पहला आदमी था जो तुम्हारी जिंदगी में आया, और पहली मोहब्बत को भूलना बड़ा मुश्किल काम है। मगर अब मैं उसे बिल्कुल भूल गई हूँ। भूल नहीं गई हूँ, डर गई हूँ। हाँ तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सिर्फ आखिरी बार, यकीन करो आज के बाद मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी, कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। अगर हो सका तो जरूर करूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ 4,000 रुपये। पहले तुम इतना रुपया ले चुकी हो, अब मैं 4,000 कहाँ से लाऊं? वो मैं नहीं जानती, मुझे तो सिर्फ रुपया चाहिए। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। मैं समझी थी तुम आके मेरी दोस्त बनकर आई हो, मगर नहीं, आज तुम दुश्मनी का नया रूप लेकर आई हो। क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारे चेहरे पर यह शराफत और खूबसूरती का नकाब हमेशा यूं ही पड़ा रहे?
क्या तुम नहीं चाहती हमेशा नेक और पतिव्रत दिखाई देते रहो? क्या तुम नहीं चाहती दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत और आबरू बनी रहे? और क्या इस राज को अपने सीने में छिपाए रखने की कीमत 4000 रुपए ज्यादा है? मैं सच कहती हूँ, मेरे पास इतना रुपया नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। इस वक्त ये अंगूठी बहुत काम आ सकती है। नहीं नहीं, ये अंगूठी मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकती। तो फिर कह दूं तुम्हारे पति से? ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी मेहनत करती हूँ, मुझे तो रुपया चाहिए। और फिर ये अंगूठी तो मेरे पास अमानत ही रहेगी, शाम तक रुपया दे देना, अंगूठी ले लिया। मैं तुम्हें ठीक 4 बजे फ्लोरा फाउंटेन के पास मिलूंगी। मीना जल्दी करो, कहीं तुम्हारे पति आ गए सारा भेद खुल जाए। ठीक 4 बजे फ्लोरा फाउंटेन के पास। कितनी देर लगा दी? मेरी एक सहेली आ गई थी, उसी के साथ बातें कर रही थी। सहेली तो ठीक है, कभी हमारा भी ख्याल किया करो। क्या घबराई क्यों? नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कहाँ घबराई हुई हूँ। चलिए आपको देर हो जाएगी, नाश्ता कर लीजिए। एक चमचा फिर भूल गए। सॉरी। नो मिल्क मैडम। ओ, तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया ना। आप क्या कह रहे हैं? अंगूठी? वो मैली हो गई थी, इसलिए मैंने सुना था दीदी साफ कर रही है। हमारी शादी की दूसरी सालगिरह, अंगूठी तुम्हारी उंगली में नहीं है, इसीलिए तो दी है साफ करने के लिए। हाँ, आप घबराइए नहीं, आज शाम तक जरूर ले आऊंगी। आज शाम तक जरूर ले आना, वरना तुम जानती हो इस मामले में बहुत वहमी है। ई मशे
मीना कहाँ है तुम्हारी बीवी? मेरी बीवी? उस औरत ने मेरा जीना दुभर कर दिया है, साय की तरह हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती है। कितना रुपया चाहिए उसे, कहाँ है वो? ये तुम क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ तुम कमीने हो, दलील हो, मोहब्बत के नाम का बदनाम करते हो, शादी की और मुझसे छुपाते रहे। शादी कौन कहता? बोले मत, बोलो, मुझे सब पता चल गया है। यकीन करो मीना, मेरी जिंदगी में आज तक सिर्फ एक ही औरत आई है और वो तुम। तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलता हूँ? ये झूठ है, ये तस्वीर जिसे मैं अपने खून से रंगीन करता रहता हूँ मजाक है, दिल लगी है। अगर ये झूठ है तो दुनिया की हर चीज झूठ है। तुम्हारी बीवी नहीं तो फिर कौन है? उसका मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आखिर बात क्या है? वो औरत मेरे हीरे की अंगूठी ले गई है, अशोक वो अंगूठी वापस मांगते हैं। अगर ना मिले तो मर जाने के सिवा मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं रहेगा। मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं? Thank you.
अचानक तुम यहाँ कैसे चली आई? मैं वो क्या वक्त है ना? हाँ मैं वो सुनार के पास गई थी अंगूठी लाने के लिए। मिले अंगूठी? नहीं उसने कहा कि तैयार नहीं, मैं यहाँ चली आई। बहुत अच्छा किया आप। मैं सच में ना तू कर सकती थी बात। अंगूठी कब मिलेगी? मुझसे तो मिलने आए हैं। कौन है? ओ अच्छी बात, तुमने बैठा मैं भी आया। तुम बैठो मैं भी आया। उम्मीद भी खत्म हो गई। जिस राज को मैंने आज तक छुपाया था वो खुल गया। मुझे यकीन था मेरे पति मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरे सामने मर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। फिर वही नींद की गोलियां। न जाने आजकल दुनिया को क्या होता जा रहा है, बिना गोली कोई काम होता ही नहीं। सुबह उठो तो गोली, बैठो तो गोली, खाना खाने के लिए गोली, खाना हजम करने के लिए गोली, सोने के लिए गोली, जागने के लिए गोली। मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी का नाम बदल कर गोली रख देना चाहिए। बेटी ज्यादा मत खाया करो, जहर होता है, इससे आदमी मर भी जाता है। नब्ज़ ठीक चल रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर में होश आ जाएगी। Thank you.
सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी? हाँ मेरी सेक्रेटरी, इसने जो कुछ किया मेरे कहने से किया, मैंने इसे तुम्हारे पीछे लगा रखा। मिस रॉबर्ट्स अब जा सकते। मीना, औरत का दूसरा नाम घर है। औरत भटकती है तो उसके साथ साथ पूरा घर भटकता है, पूरा खानदान बिगड़ता है, पूरा मुल्क, पूरी कौम, पूरी नस्ल गुमराह होती है। तो मुझ सीमा से बाहर जा रही थी जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, जिसे अपवित्र करने का अधिकार किसी औरत को नहीं। किसी औरत को यह हक नहीं कि वो घर की चार दीवारी की खूबसूरती और शान को बर्बाद कर दे। अगर शादी से पहले मुझे मालूम होता कि तुम राजेंद्र से मोहब्बत करती हो तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते में ना आता। लेकिन यह राज मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब तुम मेरी जिंदगी में आ चुकी थी, मेरी धर्म पत्नी बन चुकी थी, और राजन से आज इस तरह तुम्हारा मिलना जुलना पाप। शायद इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं मीना, कसूर है इस किस्मत का जिसमें पत्नी सुख लिखाई नहीं। मीना, एक दिन मेरी खुशी के लिए तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी, आज तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देता हूँ। अगर तुम राजेंद्र के साथ सुखी रह सकती हो तो जरूर उसके पास चली जाओ, मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। चाहो तो मैं खुद तुम्हें उसके पास जाकर छोड़ सकता हूँ। राजेंद्र साहब आया है। तुम जा सकती हो। जहां से आंख खुले वहीं सवेरा समझो, कल तक जो हुआ सो भूल जाओ, आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ना ना ना, ना, ना। रो नहीं, ना रो नहीं। तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूं आज तुम घर वापस आ गई। हाँ।